कल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे, अरे फालतू बात है, अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहे ये भी रहेंगे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सतीन शर्मा। 5 राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से जिस तरह से 3 राज्यों में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई है, उसको लेकर के अब विपक्षी पार्टियां INDIA गठबंधन की बैठक बुलाई थी, जिसकी बैठक आज होनी थी लेकिन किसी कारणवश इसे रद्द कर दिया गया है। इस बैठक में नीतीश कुमार के आने पर सस्पेंस था। नीतीश कुमार से जब पूछा गया तब नीतीश कुमार ने इस पर बयान भी दिया है, वो कह रहे कि आखिर मैं क्यों नहीं आऊँगा, हम आएंगे, साथ में बैठक करेंगे, किस तरह से हार हुआ है, 2024 में किस तरह से मंथन होगा, कितनी पार्टियां इसमें शामिल होगी, किस तरह से सीट बंटवारा होगा, इस सब पर नीतीश कुमार ने खुलकर बात रखी है। आप इसमें नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं? पहले तक कितना बार कांग्रेस में जीत गया था, अब वो बात है कि हम तो यही चाहते हैं कि बहुत तेजी से जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए, तभी तय किए थे तो बात करेंगे, कहा कि दूसरा दिन तय करेंगे तो जैसे ही होगा। अब हम आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे हैं, अरे फालतू बात है, अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहे ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से, अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे कहीं, सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज़ हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए, अब देर न रहे जी, हम एक साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं, तब बाकी बीच में चुनाव होता तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहर जाता है, वो अलग चीज है। हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों पर जो लड़ना है उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। और एक बात और हम कह देते हैं बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में है, और जो अपना राज्य मेरे राज्य करे देश के, और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर में है, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट होकर के, और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को याद रखें, तो हम इसलिए चाहते हैं तेजी से काम हो, हम इसी में लगे, हमको अपना व्यक्तिगत कुछ हम इतना जगह सेवा नहीं किए जी, आप बोलिए ना, हम लोग आंदोलन भी किए, बाद में किए, सब कुछ किए, हमारे साथी भी सब कुछ किए, तब आगे कुछ नहीं, हम तो चाहते हैं एकजुट होकर के सब लड़े और बाकी हम किसी पर कुछ, इसलिए इन सब चीज़ों पर कोई रिएक्शन नहीं। आज का हम देखते रहते हैं, न्यूज छपते रहता है कि भाई ये नहीं जा रहा था तो 4 पार्टी का दे दिया, क्यों नहीं जाने का, बड़ा फालतू बात है, अरे हमारा दूसरे कारण से नहीं था ना, तो ये कौन खास बात है, आप तो जानते हैं हल्का सा बुखार होता, 100 भी नहीं था, उससे भी कम था, खांसी और सर्दी हो गया था, तो हम तो जान के 5 दिन घर पे पड़े रहे। बीजेपी सर, बीजेपी बोल रही है कि इस बार 400 पार, आप चिंता मत करिए। तो सुना आपने, आपको बताते कि जिस तरह से 3 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह हारी है, विपक्ष बुरी तरह हारा है, अब उसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे के घर कल बैठक भी हुई थी, और उसके बाद से जिस तरह से चुनाव परिणाम आए, बीजेपी को पूर्ण बहुमत हुआ है, EVM पर भी सवाल उठाए गए हैं, अब देखना होगा कि डेट कब आता है INDIA की बैठक का और उसमें कौन सी रणनीति बनती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब नज़दीक आ गया है, अब लोकसभा चुनाव पर मंथन होगा, सीट बंटवारे पर मंथन होगा कि किस तरह हर राज्य में किसको कितना सीट दिया जाए, और प्रधानमंत्री फीस पर भी विपक्ष पार्टियों में बात होनी है, नीतीश कुमार इसी को लेकर के आज मीडिया से बात किए थे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।